नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि 7% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने एक 52 वीक हाई लगाया दोस्तों। हालांकि आने वाले समय में, जो मतलब इस कंपनी का 700 रुपये के ऊपर, 700 के आसपास इस कंपनी ने ट्रेड किया था, तो आने वाले समय में ये कंपनी ऑल टाइम हाई भी लगाएगा दोस्तों, और फिर जा करके आप बाइंग करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। और अभी जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से ये कंपनी आज भी 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप चाहे तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी, मतलब पहले से दोस्तों टॉप पे जिन्होंने बाइंग किया है, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले आज के दिन अगर देखेंगे दोस्तों, तो आप 7% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा, तो हम उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे पता है, इस स्टॉक में इतनी तेजी के पीछे का कुछ इतना खास रीजंस नहीं है। मेरे पॉइंट से आज के दिन आईटी सेक्टर में एकदम जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके कारण ये भी कंपनी आईटी सेक्टर को ही बिलोंग करती है, उसी के कारण इस स्टॉक में भी इस टाइप की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों आपको ब्लाइंडली जाकर के इस स्टॉक को बाइंग नहीं करना है, पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया दोस्तों, और फिर से एक बार हम इसी स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कंपनी के आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 11% का रिटर्न बना के दे दिया। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 18%, 6 महीने में देखेंगे तो 40%, और 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 45% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस कंपनी में जो तेजी देखने को मिल रही है तो फिर गिरावट नहीं होगी, ऐसा नहीं दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं, कई बार इस स्टॉक में इसी टाइप की तेजी देखने के बाद फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट, वापस तेजी फिर गिरावट, इसको भी आप चाहे तो छोटा मोटा मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 साल की बात करूँ दोस्तों, जब से कंपनी मार्केट में आई है, आज भी कंपनी ये 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो अपना इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं उससे रिलेटेड अभी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कंपनी के मतलब कि रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो हम उससे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिले हैं। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि देखिए, इस स्टॉक में जो तेजी के पीछे का रीजन्स है, उसमें देखा है तो आईटी सेक्टर एक इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट की भी बात कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, उसमें 528 रुपये, इसमें जो कि मतलब बताया गया है, कुछ एनालिस्ट हैं जो कि देखा है तो लेटेंट व्यू पे भी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा था कि टारगेट क्लोजिंग ओपन, मतलब एक ट्रेडिंग जबरदस्त हुई है। आज के दिन जिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली दोस्तों, उसमें आप देखेंगे तो वैल्यूम सबसे बड़ा इन्वॉल्व है, मतलब 6 मिलियन 7 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें मात्र 30% माल डिलीवरी में उठाया गया है। स्टॉक भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, 6 फरवरी 2024 को ही एकदम बॉन्ड भी खाई लगा, 528 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया था, और 528 रुपये को एग्जैक्ट इसने टच भी किया है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है 485 रुपये से 528 रुपये का टारगेट प्राइस दिया, 9% का दिया गया दोस्तों, जिसके कारण आज के दिन मतलब कि यही देखने को मिला है। न्यूज भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो मतलब 5 फरवरी का ही है दोस्तों, लगभग 6 बजे के आसपास ही देखने को मिला था। अभी कंपनी करती क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात करें। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी एनालिस्ट का काम करती है, डेटा एनालिस्ट का काम करती है दोस्तों। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, BFSI और CPG से रिलेटेड, रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री डोमेन से रिलेटेड, मतलब जिससे भी रिलेटेड देखा है तो IT सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है। इसमें अगर सर्विसेज की बात करें तो कंपनी सर्विस क्या क्या देती है दोस्तों, सबसे पहला जो सर्विस है डेटा एनालिस्ट का कंपनी काम करती है, जो कि आप सभी लोगों को पता है, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, बहुत दुनिया को क्या चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड देखा है तो आप कह सकते हैं डेटा एनालिस्ट का काम आ जाता है। मार्केट प्लेस, मार्केट की बात करें, मार्केट एनालिस्टिंग का आप करती है। यहाँ पे अगर देखा है तो कस्टमर एनालिस्ट का भी काम करती है, सप्लाई चेन से रिलेटेड, HR फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ रिस्क एनालिस्ट भी कंपनी करती है। तो आने वाले समय क्या होगा देखा है तो ये कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है टेक्नोलॉजी से आता है, इंडस्ट्रियल से आता है, CPG से रिलेटेड आता है, फाइनेंस सेक्टर से भी कंपनी के पास सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि USA से इस कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। इंडिया से तो कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं 5 कस्टमर की बात करूँ, 60% रेवेन्यू अकेले वही कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशन की बात करें तो USA, UK, जर्मनी, तमाम जगह पे, चेन्नई और बेंगलुरु में इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाएगा। क्लाइंट्स बेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ फिक्स क्लाइंट्स मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो 60 से ज़्यादा इस कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं, जो कि 30 इंक्लूडेड मतलब फॉर्च्यून और 500
कंपनीज जो कि एक मतलब सेक्टर वाइज इस कंपनी के पास देखने को मिल जाती है। टेक्नोलॉजी सीपीजी रिटेल से मतलब देखा है तो गूगल क्लाउड और जो कि एडोब इस कंपनी के कुछ मतलब कि मेन क्लाइंट्स भी आप कह सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का बिजनेस आपने समझ लिया, फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। डेटा एनालिस्ट का काम ये आने वाले समय में ही चलेगा, चाहे AI आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। आज मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को लेकर के मार्केट में आएंगे, कुछ समय तक उसका बूम रहेगा, लेकिन हाँ एक समय ऐसा भी आएगा कि उसको मतलब कि जैसे एक ड्रोन होता है, एक एंट्री ड्रोन भी चाहिए दोस्तों। तो मतलब क्या है कि उसके उसको काउंटर करने के लिए भी चीज़ें चाहिए, तो उसमें जो है कि डेटा एनालिस्ट का भी काम आता है। तो उस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में मतलब कि कुछ प्रमोटर ने स्टेक को इस बार सेल किया, हालांकि FIs की बात करें बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं, लेकिन हाँ DIs ने दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त माल उठाया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 1% के आसपास उन्होंने बाइंग किया है, पब्लिक ने सेलिंग किया है। ये भी कंपनी एक प्योर डेट फ्री कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ 25 करोड़ का डेट है, 1200-1250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए चाहे प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, सो मतलब लॉन्ग टाइम में एक बेटर कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में थोड़े से अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स मतलब माफ करना रिटर्न इक्विटी की बात करें 34 के आसपास है, रिटर्न इक्विटी भी देखा जाए तो कंपनी का ठीक ठाक ही है। माफ करना CGR जो है 34 के आसपास है और रिटर्न इक्विटी जो है कि 15-20 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के थोड़े से हम रिजल्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस सेल्स में जंप है, तो नो डाउट दोस्तों आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, तो फिर भी चाहे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों बहुत सारे मतलब कि आपको पता है दोस्तों कि मतलब कुछ ऑफर्स लाने पड़ेंगे, कुछ डिस्काउंट लाने पड़ेंगे, फिर जाकर के मतलब आपका ये जो सेल्स है कहाँ से जनरेट होगा। ये सेल्स जो है कि मतलब आप जो डिस्काउंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एक्सपेंसेज है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉस्ट कम रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखा है तो आपके सेल्स बढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी सेम ही देखने को मिलेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी ये बिजनेस करती है इसके अगर कंपटीटर देखेंगे तो पर्सिस्टेंट सिस्टम, ऑर्कर फाइनेंस, टाटा इलेक्सी, KPIT, टाटा टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेगी, लास्ट में इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि ये कंपनी ही बस ओनली हाई पी पे ट्रेड हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां एक हाई पी पे ट्रेड हो रही है, जैसा कि टाटा, KPIT, टाटा टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अगर 73 के पी पे देखेंगे दोस्तों तो लेटेंट व्यू भी ट्रेड हो रहा है। ऐसे में जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते दोस्तों, देखिए हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ मेरे पॉइंट से जो भी था दोस्तों हमने बता दिया, आने वाले समय ये कंपनी 700 के ऊपर भी ट्रेड करेगी, जो कि हम बता रहे दोस्तों इसमें हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि मेरे पॉइंट से भी इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी जिस टाइप की शॉर्ट टाइम में तेजी देखने को मिली दोस्तों, हो सकता है कि मतलब 480 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो 700 रुपये तक ये कंपनी जा सकती है, अगर ये कंपनी 580 तक जाती है तो। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू दोस्तों।